जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप? आप सबका हमारे चैनल पंडित ज्ञान में स्वागत है। किचन में कभी भी इन जगह पर ना रखें गैस चूल्हा, वरना बढ़ता ही रहेगा नुकसान। आइए जान लेते हैं इसके बारे में। आज मैं आपको बताऊंगी स्टोव के बारे में जिस पर आप खाना बनाते हैं। आपके किचन से ही संबंधित कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपके जीवन पर बहुत ही ज्यादा असर डालने वाली होती है, जिसके बारे में काफी लोग बहुत ज्यादा नहीं जानते हैं, लेकिन किचन का सीधा संपर्क आपके जीवन पर जरूर पड़ता है। इसके साथ ही घर में जितने भी लोग होते हैं उनके जीवन पर भी इसका असर जरूर पड़ता है, और जाने अनजाने में काफी लोग किचन से जुड़ी हुई गलतियां कर बैठते हैं, जिनसे उनके जीवन में तनाव बढ़ने लगता है। इसके साथ ही धन से जुड़ी हुई परेशानियां भी बहुत ज्यादा होने लगती है। घर के मुखिया पर इसका सबसे ज्यादा असर पड़ता है, लेकिन घर के जो और सदस्य होते हैं उनमें भी आपस में बहुत ज्यादा तनाव होने लगता है, जिससे घर का माहौल बिल्कुल तनाव से भरने लगता है और उनके कार्य भी तेजी से होने लगते हैं। काफी बार तो कार्य होते होते भी नहीं हो पाते हैं, जिसकी वजह से व्यक्ति के जीवन में बहुत ज्यादा तनाव बढ़ जाता है, उसके कार्य में देरी होने लगती है, धन से जुड़ी हुई समस्याएं भी होने लगती है। तो ऐसे में आपको अपने किचन से जुड़ी हुई कुछ चीजों का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी होता है, जिससे आप लगातार सफलता प्राप्त कर सके और आपको जीवन में कभी भी परेशानियां नहीं हो। काफी लोग अपने घर में किचन में स्टोव को कहीं भी रख देते हैं, जो कि उन्हें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, बल्कि स्टोव को ऐसे रखना चाहिए आपको जिससे जब भी आप खाना बनाते हैं तो आपको खाना बनाते समय किचन का दरवाजा दिखना चाहिए। इसी प्रकार आपको अपने स्टोव को रखना चाहिए कि जब भी आप अपने स्टोव पर कुछ बनाते हैं तो आपको किचन का दरवाजा बिल्कुल साफ दिखना चाहिए। अगर आप इस प्रकार आप अपने किचन में स्टोव को रखते हैं तो इससे आपके जीवन में धन से जुड़ी समस्याएं तो दूर होती ही हैं, इसके साथ ही घर में जितना भी तनाव होता है वो भी दूर होने लगता है। घर की महिलाओं को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि खाना बनाने के बाद और रात को सोने से पहले कभी भी अपने किचन में स्टोव को गंदा नहीं रखना चाहिए, बल्कि हमेशा उसे साफ करके ही रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप गंदा रखते हैं तो इससे घर में जितने भी कार्य होते हैं वो देरी से होते हैं और घर में बहुत ज्यादा फिजूल खर्च भी होने लगता है। आपको अपने किचन का ये बात ध्यान रखना चाहिए कि जो भी आपके घर में मुख्य दरवाजा है जहाँ से सभी लोग आते हैं, वहाँ से कभी भी किचन में रखा हुआ स्टोव नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि काफी लोग अपने घर के मुख्य दरवाजे के सामने ही स्टोव को रख देते हैं, जिससे उनके जीवन में बहुत ज्यादा परेशानियां बढ़ने लगती है और धन से जुड़ी हुई समस्याएं कभी भी समाप्त नहीं हो पाती हैं। तो आपको उसे इसी प्रकार रखना चाहिए कि घर के मुख्य दरवाजे से कभी भी आपको स्टोव नहीं दिखना चाहिए। अगर ऐसा दिखता है तो आपको वहाँ पर खिड़की पर या कहीं पर भी पर्दा लगा देना चाहिए, जिससे घर के मुख्य दरवाजे से बिल्कुल भी स्टोव ना दिखे। इसके साथ ही आपको ध्यान रखना चाहिए कि स्टोव को कभी भी फ्रिज के पास और सिंक के पास नहीं रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे आपके जीवन में लगातार तनाव बढ़ता रहता है। अगर आप किसी कारण की वजह से फ्रिज या सिंक के पास से स्टोव नहीं हटा सकते हैं तो ऐसे में आपको एक आईना फ्रिज पर जरूर लगा देना चाहिए। इसके साथ ही आपके किचन में बहुत से वास्तु दोष हैं और आपको किसी कारण की वजह से ठीक नहीं कर सकते हैं आप उन्हें, तो आपको अपने स्टोव के पीछे एक छोटा सा आईना जरूर रखना चाहिए। ऐसा करने से सभी वास्तु दोष खत्म हो जाते हैं और आपके जीवन में परेशानियां नहीं बढ़ती हैं, क्योंकि काफी लोगों के जीवन में किचन की वास्तु खराब होने की वजह से धन से जुड़ी हुई समस्याएं और जिंदगी में बहुत ज्यादा तनाव बढ़ने लगता है। तो इसीलिए आप अपने स्टोव के पीछे छोटा सा आईना रखना बिल्कुल भी ना भूलें। जो भी चीज मैंने आपको बताए हैं, अगर आप उन चीजों का ध्यान रखते हैं तो आपके किचन, आपके घर में, आपके मन में कभी भी तनाव नहीं आता है और आपके सभी कार्य संपन्न होने लगते हैं, धन से जुड़ी सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं, फिजूल खर्च नहीं होते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं या फिर आप किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे चैनल पंडित ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माता दी।